सिंध में बलदियाती इंतखाबात, एमक्यूएम की इस्तेदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिंध के बलदियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक एमक्यूएम की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। वकील एमक्यूएम फरोग नसीम ने इस्तेदा की कि वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म भी दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। एडवोकेट जनरल सिंध ने सिंध हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा, जिस पर एमक्यूएम के वकील ने दलाइल दिए कि 27 अगस्त को लोकल बॉडीज इलेक्शन है, 2 हफ्तों का वक्त दिया गया, फिर सिंध हुकूमत कहेगी पोलिंग करीब है। दलाइल के बाद अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने से इनकार करते हुए 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।